मैं आपको पहले वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बोलता हूँ। हाँ तो जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है तो वो यप से में बहुत ही अच्छा है। जो आपको मतलब बैंक में ना ज्यादातर वर्किंग आवर्स के बाद भी रुकना पड़ता है, सही तो है। उसका कुछ कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, वो वैसा यप से में वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यप से में ना अच्छा। अगर आप पे ना वर्क आवर्स के जो फील्ड में होते हैं ना बंदे, जो प्रोक्योरमेंट या स्टोरेज में, या जो अपना रेल से माल है ना गोदाम में आता है, तो ज्यादा टाइम रुकने को भी लग सकता है, तो उस टाइम है ना यप से आपको कॉम्पेंसेट करता है, अच्छा। उसको ओटीए मिलता है, मतलब ओवर टाइम का पैसा मिलता है। अच्छा। तो वो एक अच्छी बात है यप से में। और जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना, जो ऑफिस आवर्स वगैरह वगैरह, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती और पब्लिक डीलिंग नहीं होती, इस वजह से बहुत लोगों को जो बैंक से ज्यादातर प्रेफर इधर एप से करते। मेरे भी दो अच्छा। तीन दोस्त थे जो जिनका पीओ निकला है, कुछ का एफओ निकला है, वो भी इधर प्रेफर करते। अच्छा। थोड़ा सैलरी का दिक्कत होता है लड़कों को, अगर वर्क वर्क लाइफ बैलेंस का अगर आप बात करोगे तो एप से एजी तो अच्छा है जॉब के लिए। हाँ, मतलब जैसे और जो आप, जैसे बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि भाई वहाँ पे रहेंगे, जो मतलब टाइमिंग भी फिक्स है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको मतलब 5 बजे बोले हैं तो 8 बजे तक बैठा के रखते हैं, वैसा है नहीं शायद यहाँ पे। 5 बजे नहीं, निकलना है, निकल इधर जाना है। 10 से 5:30 का जॉब होता है अच्छा। और उतना ही करने का होता है। अगर ज्यादा फील्ड पर कुछ कुछ टाइम पर ज्यादा देर रुकना पड़ता है तो उसके लिए वो ओवर टाइम भी मिल जाता है आपको। यपसे के हाँ क्वार्टर्स भी है खुद के, तो वो भी अच्छा। प्रोवाइड करता है। हाँ, और जो अपना सैलरी की बात कर रहे थे हम, हाँ। तो यपसे के UG3 का सैलरी का जो स्टार्टिंग करेंगे ना आप, तो उसका बेसिक होता है 28,200 रुपीज, और अच्छा। उसमें डियरनेस अलाउंस भी मिलता है अपने को, और उसके बाद फ्रिंज बेनिफिट्स करके होता है, वो भी 32% होता है। और अगर आप क्वार्टर्स लेते तो आपको HRA नहीं मिलेगा, अगर क्वार्टर नहीं लेंगे तो आपको HRA मिलेगा। वो जो सिटी वाइज डिफरेंट करता है, मतलब एक सिटी होगी, एक सिटी कौन सी होती है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, वो एक सिटीज है, इसमें आपको HRA 27% मिलता है। और जो वाइस सिटीज है, जो थोड़े कम मेट्रोपोलिटन है, तो उनमें आपको है ना 18% का मिलता है HRA। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर एक कोई बंदा अगर AG3 टेक्निकल है, या कौन सा भी AG3 है, डेपोट बोलेंगे या दूसरा भी, तो उसका जो एक सिटीज में इन हैंड सैलरी है ना अभी मतलब 51,000 तक आ जाता है। ओके, ग्रेट। और जो बंदा वाइस सिटीज में काम कर रहा है तो उसको 49,000 तक इन हैंड आ जाता है। और उसके बाद में जो अपना जेड सिटीज में होता है बंदा, तो उसको 46,000 तक अपने इन हैंड में आ जाता है। और जो अगर वेबसाइट का अगर आप सैलरी स्लिप देखेंगे ना, तो उसमें कुछ जो कुछ चीजें हैं जो वेबसाइट आपको देता है पर वो सैलरी स्लिप में ऐड नहीं होता। जैसे अच्छा। कि वेबसाइट का CPF ट्रस्ट करके है, ट्रस्ट करके है वेबसाइट का, हाँ। हाँ CPF, उसमें है ना मतलब पेंशन फंड की तरह ही होता है। उसमें सैलरी में से 12% कट हो जाते हैं, मतलब अभी अगर नए ज्वाइन होंगे तो उनके 5,000 कट हो जाएंगे, और उतना ही एफसीआई उसमें डाल देता है 5,000। और फिर एनपीएस करके होता है, एनपीएस में भी एफसीआई अपने अलग से 4,000 डाल देता है। जो अपने 9,000 है ना वो अपने सैलरी स्लिप में ऐड नहीं होते। अगर आप एफसीआई की सैलरी देखेंगे तो 53 Y जेड सिटीज के लिए, 55 Y सिटीज के लिए, और 57 एक्स सिटीज के लिए होती है। तो उसमें आप 9,000 ऐड करेंगे तो आपका टोटल ऐसा ग्रॉस हो जाएगा जो आपके सैलरी स्लिप में नहीं आता। इससे फायदा क्या अच्छा। होता है, तो आपको टैक्स कम पड़ता है इस वजह से। सही सही सही। नहीं, वेबसाइट के जो प्रोमोशन के बारे में बात करेंगे तो वो हाँ। स्टैग्नेशन ज्यादा है इधर, अच्छा जो ग्रोथ है ना वो कम है थोड़ा। अच्छा कम है। और सिटी प्रमोशन का क्या है कि स्कोप की भाई अपने एरिया में प्रमोशन करा लो, ऐसा कुछ। अगर जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमको 5 जोन का ऑप्शन होता है, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। अगर आप वेस्ट, मैं जैसे वेस्ट जोन से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने वेस्ट जोन का अप्लाई किया था, तो मेरे को वेस्ट जोन मिला। अभी मेरी पोस्टिंग मनमाड़ है, मनमाड़ करके जगह है अच्छा। जो मेरे जो होम टाउन है हाँ उससे 120 किलोमीटर है, अच्छा। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, घर के पास भी मिल जाता है। अगर कोई फैमिली से कोई बैकग्राउंड मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारे घर के पास भी मिल जाता है, या 2-3 साल में घर के पास मतलब पोस्टिंग हो जाती है।